देश और दुनिया में कैंसर सबसे बड़ी बीमारी के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में इसकी जद में बच्चे बूढ़े जवान हर कोई है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से एक शुरुआत की गई जिसमें वो तमाम लोग जो यहाँ पर नहीं आ सकते या फिर आने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनके लिए एक ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की गई जिसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, नेशनल कैंसर ग्रिड और नव्या की तरफ से तीनों ने मिलकर के इस सुविधा को शुरू किया तमाम मरीजों के लिए और इसका अब फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से ये सर्विस काम करती है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, इन तमाम बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ में डॉक्टर तुषार जी हैं जो इसी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। तुषार सर, ये जो पूरी सुविधा है ये इसकी संकल्पना कैसे आई और किस तरह से ये काम करती है? अगर आप देखें तो साल भर में टाटा हॉस्पिटल में लगभग 60 से 70 हज़ार मरीज़ आते हैं, ना ही सिर्फ पूरे देश से लेकिन आजू बाजू के भी काफ़ी सारे देशों से। और ये मरीज़ सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेकिन कई बार सिर्फ ओपिनियन लेने के लिए आते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर यही ओपिनियन उनको घर बैठ के ये सुविधा अगर मिल सकती है, अगर जो एक्सपर्ट ओपिनियन सर्विस है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, तो ये उनके लिए काफ़ी हितावह होगी। ये सोच के हमने 2014 या 15 से शुरुआत की थी। आज तक में लगभग 40 हज़ार पेशेंट्स पूरे देश से और आजू बाजू के लगभग 60 कंट्रीज़ में से ये सुविधा का लाभ ले चुके हैं। अब हमने ये भी प्रूव किया है कि इस सुविधा से एक्चुअली इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात हमने ये दिखाई है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हमने प्रेजेंट किया है कि जो डिसीजन ऑनलाइन सिस्टम से लिया जाता है वो हॉस्पिटल में आने से लिए जाने वाले डिसीजंस के साथ 98% तक सहमति में होता है। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात है, लगभग 80% डिसीजंस वही है जो फाइनली पेशेंट के लिए लागू होते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात जो हमने 2019 में ये प्रूव किया है कि ऑनलाइन ओपिनियन लेने से पेशेंट को ना ही सिर्फ समय की लेकिन जो डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ता है उसकी और उसकी वजह से होने वाले खर्चे में भी काफ़ी बचत होती है। सर, मैं इसी पे आ रहा था कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे जाकर के डॉक्टर से मिलते हैं और सामने ही ओपिनियन लेते हैं, तो ये जो चीज़ है इसका मतलब रिस्पॉन्स कैसा है? लोग भरोसा कर रहे हैं इस ऑनलाइन सर्विस पे? और जो आपने कहा कि पैसे, समय, इन सारी चीज़ों की बचत होती है, तो कितनी बचत होती है? विश्वास कर रहे हैं या नहीं ये आपको आंकड़े ही दिखाएगा, क्योंकि लास्ट एक साल में इस जो पेशेंट्स ने रजिस्टर किया है उसकी संख्या लगभग 40% बढ़ गई है ऑनलाइन ओपिनियन लेने वालों की। और अगर आप लास्ट 3 साल में देखें तो वो 325% बढ़ी है। 2019 में लगभग 15 हज़ार पेशेंट में ने इस सुविधा का लाभ लिया है, जबकि 2016 में वह संख्या सिर्फ 3 हज़ार थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों को विश्वास होगा तभी उन्होंने इतनी मात्रा में ये सुविधा को अपनाया है। टाइम, कितने टाइम की बचत हो जाती है सर औसतन? मतलब किसी को आने में, यहाँ रुकना, इलाज करवाना या ओपिनियन लेना, और फिर कितने पैसों की तकरीबन बचत हो पाती होगी ऑन एन एवरेज? हम हर एक तरीके के खर्चे को तो हम नहीं नाप सकते, लेकिन जिन खर्चों को हम नाप सकते हैं उसकी जब हमने स्टडी की तो ऑन एन एवरेज हर एक फैमिली को या हर एक पेशेंट को लगभग 80 हज़ार से 1 लाख रुपए का सिर्फ ट्रैवल का और रहने का खर्चा हम बचा सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में आने से जो मल्टीडिसिप्लिनरी ओपिनियन जिसको हम कहते हैं वो लेने में एवरेज लगभग 4 से 6 दिन लगते हैं, जबकि वही ओपिनियन ऑनलाइन सुविधा जो TMC NCG नाव्या सिस्टम है उससे लेने में सिर्फ 1 दिन या 24 घंटे लगते हैं। तो ये ना ही सिर्फ समय की लेकिन समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। तो सर, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि जो तमाम लोग इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वो आपसे कैसे संपर्क करें, अगर आप कुछ बताना चाहें? ये बहुत ही सरल सा सिस्टम है।
tmc.gov.in की वेबसाइट पे ये सुविधा उपलब्ध है। आपको सिर्फ आप जाके जो भी पेशेंट है उनके रिपोर्ट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद में जो नाव्या की टीम है वो आपके संपर्क करेगी और बाकी जो भी रिपोर्ट उनको चाहिएंगे वो सारे इकट्ठा करेंगी। ये करने के बाद ये सारे रिपोर्ट्स को, जिसको हम कई बार डॉक्टर की भाषा में नहीं होते हैं, तो उसे डॉक्टर की भाषा में परिवर्तित करके डॉक्टर को एक संक्षिप्त समरी दी जाती है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनको वो ये समरी के बेसिस पे तुरंत ही ओपिनियन दे सकते हैं, और ये ओपिनियन फिर से पेशेंट को उनको समझ में आए ऐसी भाषा में परिवर्तित करके फिर से उनको दिया जाता है। तो करना सिर्फ उनको इतना है, tmc.gov.in की वेबसाइट पे अपने सारे रिपोर्ट्स अपलोड करने हैं और बाकी का काम नाव्या की टीम खुद कर लेगी। तो सर, ये जो सुविधा है इसके लिए कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, कुछ शुल्क भी लिया जाता है, या क्या सिस्टम है? जो भी जनरल कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनके लिए अभी ये सुविधा लगभग 7,500 से 7,750 रुपये में लागू की जाती है। बाकी काफ़ी सारे कंसेशंस भी दिए जाते हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे वाले पेशेंट है या बच्चों में है, कुछ कुछ सुविधाएं हैं जिनकी वजह से ये 7,000 में से कम करके सीधा 2,000 या 1,000 भी हो सकता है। तो इस सुविधा का लाभ मतलब कम से कम पैसों में मरीज उठा सकते हैं। जी जरूर। तो ये थे डॉक्टर तुषार जो बता रहे थे कि अगर आप अपने घर से यहाँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तक का सफ़र तय करते हैं तो आपका 4 से 5 दिन कहीं ना कहीं यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जाके आपको ओपिनियन मिलती है। इसमें हज़ारों रुपए खर्च भी हो जाते हैं। यही चीज़ आप कम पैसों में घर बैठे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, और वही राय आपको मिलेगी जो आपको यहाँ आने पर मिलेगी। तो इस सुविधा का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, यही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से एक सबसे दरख्वास्त भी है और सबके लिए ये फ़ायदे का सौदा भी है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।